आइए बात करते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी से। इनके कबीर आश्रम पर जो है आज कार्यक्रम का रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। सावन के पवित्र मास पर जानते हैं किस प्रकार का कार्यक्रम है, और जैसा कि विगत हर वर्ष की भांति ये कार्यक्रम होता रहता है, इसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाता है जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी से, क्योंकि हिंदू महासभा के और भी पदाधिकारी उपस्थित है और सदगुरु जागू आश्रम के महंत भी हमारे बीच में मौजूद है। जानते हैं हिंदू महासभा के प्रदेश आज हम लोगों का अधिवेशन होने वाला है अयोध्या में 25 तारीख को, उसी को सफल बनाने के लिए आज रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग 25 तारीख को अयोध्या जी में भव्य अधिवेशन करेंगे, और वहीं से जो है मथुरा जन्मभूमि की रणनीति तय होगी। आगे का हमारा मुद्दा मथुरा का जन्मभूमि होगा, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदू महासभा हमेशा चाहे राम जन्मभूमि रही हो, चाहे लक्ष्मण टीला रहा हो, या कृष्ण जन्मभूमि रही हो, या ज्ञान वापी रहा हो, सबके लिए अग्रसर है। उसी रूप में 25 तारीख अयोध्या में अधिवेशन है, उसी को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के, तो हम लोग कार्यक्रम को 25 तारीख को जो अधिवेशन है उसमें आशीर्वाद दें और वो सफल कार्यक्रम हो। यहाँ पर प्रदेश से भी है, जिले से भी बहुत से पदाधिकारी आए हैं। अभी बैठक भी आज हुई थी 13 तारीख को कार्यालय पर, और पूरा भव्य आयोजन का पूरा दायित्व जो है सभी को दिया गया है कि कौन किस दायित्व का निर्वहन करेगा, और एक भव्य कार्यक्रम अयोध्या जी में हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चे एक हमारे द्वारा एक गुरुकुल की स्थापना की गई है। ये गुरुकुल के बच्चे हैं, यहाँ पे वेद पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। ये गुरुकुल के बच्चे हैं जो कि हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे द्वारा एक गुरुकुल का संचालन किया जा रहा है। सरकारी नहीं, ये हम गुरुकुल पद्धति से अपना रहे हैं। जैसे गुरुकुल में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है परमानेंट यही रहते हैं, और यहाँ पे जो है उनको शिक्षा दी जाती है और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य है कि अखिल भारत हिंदू महासभा अधिवेशन होने जा रहा है, उससे पूर्व भगवान श्री शंकर होगा दानी से प्रधान प्राप्त करके पार्टी को समृद्ध और समर्थ किया जाएगा। आज हम लोगों ने लखनऊ कैंप कार्यालय से 25 तारीख को अधिवेशन हमारा राष्ट्रीय सरकार अयोध्या में होने जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने एक अपनी कार्यकारी मीटिंग को बुलाया था, जिससे उनको क्या दायित्व देना है, क्या उनको करना, उनके बारे में विस्तार से उनको समझाया गया और बताया गया। और उसके बाद हम लोग कबीर मठ आश्रम अयोध्या स्थान इसलिए चुना गया कि हिंदू महासभा व अन्य पार्टियों की मदद से इतना बड़ा राम मंदिर का बनाया गया वहाँ पे। अब हम लोग अयोध्या में अधिवेशन करने से ये संदेश देना चाहते हैं कि अयोध्या से संदेश देना है, इस बार हम लोग मथुरा में मंदिर का निर्माण करेंगे। नहीं, तैयारी चल रही है, उसके लिए अभी 25 तारीख को अधिवेशन में अभी जो है आगरा में जो अभी तेजो महल पे हिंदू महासभा के लोगों ने जलाभिषेक किया, उसका उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में हम लोग उसको तेजो महल ही बनाएंगे। कितनी संख्या में लोग अयोध्या पहुँचने वाले हैं? करीब 3 से 4 हजार की संख्या लोग अयोध्या को पहुँचे। पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, पुरुष पदाधिकारी सभी लोग, मुख्य उद्देश्य क्या है?
क्योंकि मुख्य देश हमारा तो हिंदुत्व का एजेंडा है, सारे हिंदुओं को एकत्र करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ये जो हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिचंडी का अधिवेशन, पहला अधिवेशन त्रिचंडी ग्रुप का पहला अधिवेशन जो है अयोध्या सुना है, और उसके लिए ये है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य। महिलाओं की ओर से क्या कहना तैयारियाँ ज्यादा लोग हम लोग पहुँचे वहाँ पे, और महिलाओं का यही कर्तव्य है कि सभी हिंदू एकत्रित हो जाए और जो आगे आने वाला भविष्य है हम उसको मजबूत बनाए। हम हिंदू हाजिर हैं और हिंदू धर्म में रहते हैं, इसलिए हम लोग अपने हिंदू धर्म का पालन करते हुए वहाँ का अधिवेशन को अच्छे से समय 25 अगस्त को उसमें हम लोगों का सहयोग आपका कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर कबीर आश्रम पर, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है और सावन मास में क्या महत्व है? देखिए रुद्राभिषेक भगवान शंकर के रुद्र अवतार जो है उनका अभिषेक होता है आज के दिन, जिसमें कई शक्तियां, और सावन मास जो है भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिनों में से कुछ दिन होते हैं। उनमें अगर हम भगवान शिव का अगर जल अभिषेक करते हैं या रुद्राभिषेक, तो उसका हमें परिणाम जो मिलता है फलस्वरूप वो बहुत ही फलदायक होता है। इसी कल्पना के साथ हमने कुछ अपने मित्रों के साथ में आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। हम सभी चाहते हैं कि जैसे अभी ज्ञान वापी का मामला चल रहा है और जो भी शिव मंदिर, जैसे अभी ताजमहल पे हिंदू महासभा ने जल अभिषेक किया, वैसे ही हम चाहते हैं इसी यहीं से शुरू ही करते हैं। ये तो एक पार्थिव है, हम तो जहाँ पे हमारे पुराने मंदिर, जो हमारे पुराने धरोहर थे जो टूटी गई, उन सबके लिए हम चाहते हैं कि उसके लिए शुरुआत करें। आज हम यहाँ जल अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, हम एक दिन वैसे ही रुद्राभिषेक तेजो महालय में, शंकर जी के ज्ञान वापी में, हर जगह ऐसे ही करते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आमतौर पर एक भ्रांति उत्पन्न है कि शिव जी जो है भांग धतूरा और बाकी चीजों का सेवन करते थे, क्या वास्तव में जो नौजवान है या युवा पीढ़ी है उनको इन सब चीजों का सेवन करना क्या आवश्यक है? नहीं देखिए ऐसा नहीं, लेकिन विजया एक स्वरूप में कहीं ना कहीं मेडिकल के रूप में भी देखी गई है, उसको माना भी जाता है। विजया भांग को कहते हैं, एक क्वांटिटी में उसको अगर आप लेते हैं तो वो कई जगह जैसे पेन किलर का काम करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसको नशे के लिए यूज करें। अगर नशे के लिए यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही है। तो अगर युवा वर्ग इसका उपयोग कर रहा है तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं। अगस्त को हम लोग